अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं तमाम चाहने वालों को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। आज की इस नई वीडियो में मैं आपको हरिपुर के बाजारों से निकाल कर हरिपुर की वादियों में लेके जाने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे इस सफर में मेरा साथ दे रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह कॉन्टेंट आपके लिए मैं बड़ी मेहनत से लेके आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने सफर का आगाज करते हैं। आज जिस विलेज का दौरा हम करने जा रहे हैं, उस विलेज के बारे में मशहूर यह है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको डिस्कस किए बगैर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो नामुकम्मल है। अच्छा, जो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ रह चुके हैं ना, फील्ड मार्शल अयूब खान, उनका ताल्लुक भी इसी विलेज से है। और उस टाइम पर तो कोई इतनी ख़ास तवज्जो नहीं थी इस विलेज के ऊपर, लेकिन अभी जो MNA हैं यहाँ के, उमर अयूब खान, वो बेसिकली इनके पोते हैं। तो वो एक सियासी ख़ानदान है जो कि यहाँ पे रहता है, तो ये उन्होंने काफ़ी इसकी डेवलपमेंट वगैरह की है, तो अभी वो काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं जो है अभी रास्ते में हूँ और असल में ये रोड जो है ना बिल्कुल सिंगल वे है, तो दोनों तरफ से ट्रैफिक आ जा रही है, तो इसलिए मैं जो है ना मोबाइल में नहीं देख रहा हूँ, आगे रोड पर देख रहा हूँ, क्योंकि एकदम से जंप्स वगैरह भी आ जाते हैं ना, तो वो मेरी कंसंट्रेशन ज़्यादा रोड पे होनी ज़रूरी है। लेकिन ये एक मैंने कहा चलो आपसे बात भी कर लेता हूँ। अच्छा, अभी मैं जो है ना सरायसाला पहुँच गया हूँ। सरायसाला से मैंने थोड़ा सा आगे और जाना है, मेरे ख्याल से कोई 10 to 15 मिनट्स की मोर ड्राइव है, लेकिन आप यकीन करें कि जैसे जैसे आप जाते जाएंगे ना तो बिल्कुल ही आप पहाड़ों के करीब, और ऐसा लगेगा कि आप कहीं और ही जगह आ गए। तो जनाब, इस टाइम हम रिहाना में मौजूद हैं और सबसे पहली जो चीज़ मेरी नज़र के सामने से गुजरी ना, और वो था जनाब फील्ड मार्शल अयूब खान का मज़ार। तो मैंने कहा मैं रुक के यहाँ पे जो है ना एक दुआ भी कर लूँ और थोड़ा सा आपको दिखा भी दूँ कि यहाँ पे ये बेसिकली जो फील्ड मार्शल अयूब खान गुजरे हैं हमारे फौज के जर्नैल, उनका जो है ना बेसिकली मज़ार है। और ये अंदर जाने का रास्ता है और साथ मस्जिद भी है, ठीक है, और ये थोड़ा सा इन्होंने हुजरा से बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। और ये जनाब इनकी मस्जिद जो है ना कब्रें, अहलिया की कब्र है ये, अयूब खान की अहलिया की कब्र है, ठीक है। और ये यहाँ पे मस्जिद जो है ना कब्रें मौजूद हैं जो कि इनके आबा अजदाद की हैं, ठीक है। कि आप सोचें ना कि इंसान कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है और आखिर में एट द एंड उसे मनो मिट्टी तले चले जाना होता है। ये दुनिया जो है ना, हम सारी ज़िंदगी दुनिया के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन एट द एंड हमें जाना जो है ना कब्र के अंदर ही होता है। चलें दुआ कर लेते हैं, भाई ही हैं तो दुआ करके जाते हैं। तो जनाब मैं दुआ वगैरह मैं करके आ गया हूँ। अब देखें ना कि इंसान कितना ज़्यादा दुनिया के अंदर ना फन्ने खान बनता है और कितना ज़्यादा इंसान अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, हालांकि देखा जाए तो इंसान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इंसान। यहाँ पे आप सोचें ना कि एक बंदा मुल्क का सबसे ताकतवर शख्सियत किसी ज़माने में रहा होगा, आज आप देख लें उसका मज़ार खाली है, ठीक है। कि ये दुनियादारी है हर, तो मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि यहाँ आके मुझे एक ही बात नज़र आई है जो मेरे दिमाग में आती है कि भाई हर अरूज को जवाल है, कि
जो जितना अरूज पे है ना उसका जवाल लाजमी है, ऐसा नहीं हो सकता कि, इसीलिए इंसान को जो है ना हमेशा आजजी के साथ रहना चाहिए, बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, ये तो क्या कहते हैं इनका मज़ार था, तो अभी जो गांव है ना वो आगे है, तो हम अभी आगे चल के देखते हैं गांव वगैरह, बड़ा प्यारा सा बना हुआ है गांव, तो हम आपको आगे इसको कहते हैं भुटरी डैम, ये रिहाना विलेज का स्टार्ट है ना, तो ये यहाँ से जो है ना डैम है पूरा बनाया हुआ है इन्होंने, और ये यहाँ से आगे जितना भी है ना एरिया वो सारा विलेज है। अच्छा, ये डैम जो है ना ये पहले काफ़ी साफ हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि जैसे जैसे लोग जगहों को विज़िट करते जाते हैं तो वो उतनी केयर नहीं करते, तो यहाँ का जो पानी है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। लेकिन ये है कि ये अब जो पानी है ना इसको फिल्टर आउट करके तो घरों तक पहुँचाया जाता है। अच्छा, मैंने जो है ना एक और जगह जाना था, वो रिहाना से बिल्कुल आप कह लें घंटे की ड्राइव के ऊपर है ना, और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और मैं कहता हूँ कि वो जगह आप देखेंगे ना तो कहेंगे यार ये पता नहीं पाकिस्तान में ऐसी जगह भी मौजूद हैं, और वो आप कह लें हिडन प्लेसेस कह लें कि लोग वहाँ पे इतने ज़्यादा आते भी नहीं है, लेकिन अभी क्या है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो अभी जो है ना मुझे वापसी करनी है, क्योंकि मैं अभी जाऊँगा ना तो घंटा लगेगा और रात हो जाएगी, और वो जगह ऐसी है कि वो रात में देखी नहीं जा सकती, उसके लिए दिन के टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं चलता हूँ वापस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आई थिंक आज व्लॉग थोड़ा सा लंबा नहीं बनेगा, छोटा ही बनेगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में उस जगह ज़रूर लेके जाऊंगा, और थोड़ा सा टाइम अपना बचाऊंगा ताकि मैं आपको मज़ीद जो है ना उस जगह की खूबसूरती दिखा सकूँ। अभी लोकेशन मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा मैं कौन सी लोकेशन जाऊँगा, जब मैं जाऊँगा ना तो मैं आपको बताऊँगा कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन है। तो चलिए मैं वापस चलता हूँ, और अपना ख्याल रखिएगा, व्लॉग एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, यहाँ पे ना एक पकौड़ों वाले की दुकान आती है सरहसाला के करीब, और उसके पकौड़े पूरे हरिपुर में मशहूर हैं, और मशहूर इस वजह से हैं क्योंकि पूरे हरिपुर के लोग ना उस दुकान पे आके पकौड़े खाते हैं, और ये फैक्ट है क्योंकि मैंने कितने ही लोगों को खिलाए हैं उस दुकान के पकौड़े और उनको पसंद आए हैं, मेरे कितने रिश्तेदार आते हैं तो वो ज़रूर खा के जाते हैं यहाँ से इसके पकौड़े, तुर्की के पकौड़े इस दुकान का नाम है। तो इंशाल्लाह अभी तो रमज़ान है, तो फिर किसी और दिन उस दुकान का हम विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उसके पकौड़ों में ना वाकई कोई मुनफरिद टेस्ट है।